हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सुबह चंडीगढ़ में प्रदेश भाजपा मुख्यालय कमलम पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सदान सिंह से निजी मुलाकात करने पहुंचे। इस मौके पर जब उनसे देश भर में पार्टी की स्थिति व उनके गृह राज्य हरियाणा में भाजपा की गतिविधियों के बारे में पूछा गया तो सीएम नायब सिंह सैनी ने केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार देश को हर मुकाम पर विश्व में एक कदम आगे रखा है। बात चाहे महिलाओं के सम्मान की हो या महिलाओं को हर क्षेत्र में मजबूत करने की हो, भाजपा ने महिलाओं के हितों को सर्वोपरि रखा है। देश भर में महिलाओं के सम्मान की रक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने शौचालय बनवा कर दिए। हर क्षेत्र में महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार लगातार कर रही है। बीते कल सुरजेवाला द्वारा मथुरा की सांसद हेमा मालिनी के लिए अभद्र शब्दावली प्रयोग करने पर उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा, आज पूरा देश सुरजेवाला के बयान की कड़ी निंदा कर रहा है। हमारी बहनों और माताओं से भाजपा की अपील है कि वो पूर्ण रूप से कांग्रेस का बायकॉट करें ताकि आने वाले दिनों में उन्हें भी सबक सीखने का मौका मिले कि वो किस प्रकार से महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। संगठन से सरकार और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले नायब सैनी का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याण की नीतियों से देश बदल रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनहित के फैसलों से प्रदेश भर में शहरों तथा गांवों की दशा बदली है। आज नायब सिंह सैनी पर राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कमल का फूल खिलाने के साथ ही प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है। ये लोकसभा चुनाव नायब सिंह सैनी के लिए भी परीक्षा की घड़ी जैसे हैं जो उनके आगामी राजनीतिक सफर की दिशा तय करेंगे। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी के लिए खुशविंदर धालीवाल की खास रिपोर्ट। अनाप शनाप बयानबाजी नरेंद्र मोदी जी के प्रति करते हैं, परंतु पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और कांग्रेस बौखला चुकी है। इब पता नहीं वो अपने कैंडिडेट तो उतार नहीं पाया, इब दूसरे के इस प्रकार के भ्रामक प्रचार करके और झूठ बोल करके वो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है। राष्ट्रीय महिला और आज उनको लगने लगा है कि मोदी क्यों गरीब की बात कर रहा है, कि मोदी क्यों गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना बना करके दे रहा है। उनको लगने लगा है कि हम नहीं दे पाए, क्यों मोदी ने 11.5 करोड़ बहनों को इज्जत घर देने का काम किया है। उनको लगने लगा है क्यों गरीब व्यक्ति का जनधन खाता खोल करके उसको भी बैंक में जाने का अधिकार दिया है। कांग्रेस को आज पीड़ा इस बात की है क्यों गरीब व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड इन्होंने बना करके 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है। कांग्रेस को ये लगने लगा है क्यों गरीब व्यक्ति को उन्होंने बीमा पॉलिसी दे करके उसको सुरक्षित करने का काम किया है। ये सारी बातें कांग्रेस को पच नहीं रही, क्यों गरीब की नरेंद्र मोदी चिंता कर रहे हैं। वो तो एक वोट बैंक के रूप में कांग्रेस इस्तेमाल करती थी, उसका परिणाम है। अरे नीचे कर ले, सुन चर्चा की है। मैंने हरियाणा के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी दी है, आगे क्या करना है उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। अरे यार किसी और ने नहीं करना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और उनका हमें सहयोग समय समय पर हम बातचीत करते रहते हैं। लगातार आप ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं सर हरियाणा में। कांग्रेस बौखला चुकी है क्योंकि कांग्रेस ने गरीब को खाली लॉलीपॉप देने का काम किया, उनके विकास के लिए उनके हित के लिए कांग्रेस लंबे समय शासन में रह करके काम करने में नाकाम रही है। और जब कांग्रेस नाकाम रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 10 वर्षों में गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया, मात्र 10 वर्षों में इस प्रकार का सिस्टम देश के अंदर डेवलप किया कि देश के अंदर 25 करोड़ से ज़्यादा लोग
गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने मात्र 10 वर्षों में किया। आज गरीब व्यक्ति भी नरेंद्र मोदी जी को एक प्यार भरी निगाहों से देखता है, और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की वो बात सुने, क्योंकि वो लगातार उनका शोषण करता रहा है और लोगों को कांग्रेस ने लाइन में खड़े कर किया है, गरीबी हटाओ का नारा देकर के लोगों को गरीबी रेखा के नीचे पहुंचाने का काम है कांग्रेस ने किया है, तो लोगों ने कांग्रेस से विमुख हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी के प्रति बड़ा विश्वास आज हर वर्ग का वो जमा है। उसका परिणाम है कि आज लोग नरेंद्र मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर हैं बड़े मैंडेट के साथ। और कांग्रेस, जब कांग्रेस झूठे वादे करती रही, झूठे प्रलोभन करती रही जब वो सत्ता के अंदर थी, तो लोग समझ चुके हैं, उनकी क्रिया प्रणाली को समझ चुके हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।